हेलो फ्रेंड्स, पकवानों की जायका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुलाब जामुन की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम नई है और आप लोग ने कभी भी ना कभी खाया होगा ना सुना होगा। आपने आटे के गुलाब जामुन, मैदे के गुलाब जामुन, मावा के गुलाब जामुन, सूजी के, ब्रेड के, बहुत तरह के गुलाब जामुन सुने होंगे, बनाए भी होंगे, शायद खाए भी होंगे, लेकिन आपने कभी भी ये गुलाब जामुन नहीं खाया जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पोहे के गुलाब जामुन। इतने सॉफ्ट बनेंगे जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और सबसे अच्छे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये मैंने पोहा ले लिया, उसको साफ़ करके कपड़े में डाल लिया और डाल के मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। ऐसे हम लोग कुछ भी बनाते तो पोहे को धो लेते, लेकिन मुझे धोना नहीं है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसको आप पूरा देखिएगा, ये एकदम आसानी से नहीं बनती है, तो इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे। तो इसको पूरा ही देखिएगा। अब इसको हम कपड़ा छन्नी में डाल लेंगे, स्पिनर में, और इसको छान लेंगे, जैसे कि जो भी हम पूछने के बाद कोई डस्ट हो गया तो वो निकल जाए। हम उसको अच्छे से छानेंगे, देखिए हल्की हल्की डस्ट निकली, ऐसे पूरा छान जाएगा। उसको प्लेट में निकाल लेंगे और उसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के फिर से छान लेंगे, क्योंकि मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर मोटा भाग रह गया हो तो निकल जाए। देखिए कितना अच्छा पिस गया, तो सब छन गया, निकाल दिया। अब इसको हम पहले नाप करेंगे कि ये कितना है, तो जिससे भी आप नापें उसी कटोरी से आप सब कुछ नापेंगे। तो ये मैं एक छोटी कटोरी ले लिया, उसमें हम नापेंगे, तो इसी से हम सब कुछ जो भी चीज़ लेंगे सब नाप इसी कटोरी से लेंगे। तो ये कटोरी से थोड़ा सा कम है, ये मैंने ले लिया है। अब इसमें हाफ कटोरी हम मिल्क पाउडर डालेंगे, तब जो 10 रुपये वाले पैकेट आते हैं ना, वो 2 पैकेट आप इसमें पूरा डालना है मिल्क पाउडर। और 3 टेबल स्पून हमने मैदा डालेंगे, बाइंडिंग के लिए डालेंगे, क्योंकि पोहा है तो आप जिसको बाइंड करेंगे तो वो टूट टूट जाएगा, तो बाइंडिंग के लिए हमको मैदा डालना पड़ेगा। आधी कटोरी हमने दूध की फ्रेश मलाई ले ली है, ये फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए जमी जमी लग रही है। इसमें हमको पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इसी से हम इसको अच्छे से इसका डो बनाएंगे, सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं दिखा नहीं पाई, इसमें एक चुटकी हमको बेकिंग पाउडर डालना है, एक चुटकी डालेंगे क्योंकि छोटी कटोरी से लिया था इसलिए एक चुटकी ही मुझे डालना है। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्पून से नहीं, स्पून से हम हाथ से करेंगे, खूब अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बनाएंगे। पानी अगर आपको लगे कि कम डो बनने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा मलाई और डाल सकते हैं, और यदि मलाई नहीं है तो 2-3 चम्मच दूध डाल लेंगे, लेकिन पानी नहीं डालेंगे हम। मलाई से क्या मावा का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और सॉफ्ट भी बनेंगे, तो हम इसलिए मलाई डालें। हम इसको अच्छे से मसल मसल के हमको इसका डो बनाना है, खूब अच्छे से मसलना है। वैसे हमको ऐसे डो बनाना मल मल के, हमको इतने मलाई मेरा एकदम परफेक्ट है। देखिए हमको जरा पानी जरूरत नहीं पड़ी है, थोड़ा सा मैंने देसी घी हाथ में लेके लगा लिया, आधा चम्मच देसी घी लेके इसको डो अच्छे से चिकना कर लेंगे, खूब अच्छे से मसल मसल के ही हमको डो बनाना है। और इसका बस ये है कि जब आप इसको पीसेंगे तो एकदम पाउडर एकदम अच्छे से, पाउडर मोटा नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से फाइन पाउडर इसका बनना चाहिए पीसने में। तो ये देखिए बन गया है, उसको अलग कर देंगे, पहले चाशनी बना लेंगे। तो जो जिससे हमने नापा था जिस कटोरी से, उसी कटोरी 2 कटोरी मैंने चीनी ले लिया है और उतने ही हम पानी डाल देंगे। अब उसको हम धीरे धीरे चलाते हुए उसकी चाशनी बनाएंगे। इसमें क्योंकि चाशनी ज़्यादा लगेगी इसलिए अगर आपको आपको ज़्यादा गुलाब जामुन है तो ज़्यादा चाशनी बना सकते हैं, चाशनी ज़्यादा लगेगी इसलिए हम 2 कटोरी पूरे हमने चीनी लिया है। और चाशनी इसकी हमको बहुत एक 2 तार की 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमको चिपचिपी होने तक चाशनी बनानी है, बस नहीं हमको उसको पकाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जो गुलाब जामुन, और वो कड़े हो जाएंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत पतला भी नहीं करना है कि जब मीठे नहीं लगे, इसलिए मुझे बस चिपचिपी होने तक ही इतनी चाशनी बनानी है कि वह चिपचिपापन उसमें रह जाए।
ये देखिए इसको अभी छू के दिखाते हैं आपको। अब थोड़ा सा हमको और पकाना है इसको चीनी को। अब छू के देखिए, देखिए बस चिपचिपापन हुआ है ना, इतना ही करना। अब इसमें यदि आप हम इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन गुलाब एसेंस डाल रहे हैं, रोज़ एसेंस डाल रहे हैं कि गुलाब जामुन है तो रोज़ एसेंस डालें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और समय चाशनी मेरी थोड़ी पतली थी तो हम एक दो मिनट इसको और पकाएंगे। तो फिर से इसको चेक कर लेते हैं। बस हमको इतनी ही चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा नहीं तो गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर अच्छे से गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो बस हमको इतनी चाहिए, गैस बंद कर देंगे, उतार लिया। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया, हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें रहेगा तो गुलाब जामुन पूरे भीगेंगे नहीं। तो किसी थोड़े छोटे वाले बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे, क्योंकि चाशनी गर्म होना चाहिए। अभी हम बनाएंगे। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, अब इसको गोल गोल हम हाथ में लेके हथेली में पहले नहीं करेंगे, पहले हम इसको ऐसे दबा दबा के लड्डू जैसे जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह हम पहले बनाएंगे, क्योंकि पोहा है तो ये बिखर जाएगा। तो इसको पहले हाथ में दबा दबा करेंगे, फिर हम इसको गोल करेंगे। अगर अब पहले से हथेली में करके गोल करने लगेंगे तो वो टूट टूट के जाएंगे। तो इसको पहले हाथ में लेके इसका ये ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, नहीं तो आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे। तो पहले हाथ में लेके ऐसे दबा दबा के हम पहले लड्डू जैसा बना लेंगे और फिर इसको हम गोल कर देंगे, चिकना कर देंगे। सभी हमको ऐसे ही बनाने हैं। ये भी अभी आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े नहीं बने तो बहुत बड़े आपके गुलाब जामुन बन जाएंगे। इतने ही बड़े हमको बनाना है। पहले ऐसे हाथों में लेके, दोनों हाथों में ले के लड्डू जैसे एकदम गोल गोल कर लेंगे, बांध लेंगे, फिर उसको हम गोल कर देंगे हथेली में लेके। तो ये ट्रिक जरूर फॉलो करिएगा, नहीं तो आपके गुलाब जामुन जब तलने लगेंगे तो टूट जाएंगे। सभी को ऐसे बना लेंगे, पहले थोड़े बनाएंगे, बाद में फिर तलेंगे, थोड़े से बनाएंगे, पहले बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे एक साथ। ये हमने बना लिया जितना हमको पहले बनाना है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के मैंने ऑयल गरम कर लिया है, देखते गरम एकदम परफेक्ट गरम हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हमको मीडियम हाई रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम हाई रखेंगे उसमें डाल देंगे। बहुत सारे एक साथ नहीं डालेंगे, ये तो गुलाब जामुन टूटने लगते हैं, चलाने में दिक्कत होती है, तो बहुत सारे हम एक साथ नहीं डालेंगे। ऐसे कलछुल को हमको इसको पलटना नहीं है, हमको कलछुल को ऐसे ऐसे साइड से ऑयल को ऐसे हिलाते जाएंगे। अब वो इक्वली होंगे, ऐसे पलटने से क्या इक्वली हर तरफ से एक बराबर नहीं तलते हैं, तो हमको ऐसे बस कलछुल से ऑयल को चारों तरफ घुमाते रहेंगे तो वो अपने से अच्छे से हो जाएंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। बस ऐसे हिलाते रहेंगे, वो इक्वली चारों तरफ से देखिए अपने आप एक बराबर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। हमको बस उसको छूना नहीं है ना, पलटना है। बार बार छूने से क्या होता है, गुलाब जामुन टूट जाते हैं। और एक बराबर से चारों तरफ से एक बराबर से कलर भी नहीं आता है। ऐसे करने से क्या होता है, एक सब तरफ एक सा कलर आता है। आपको कितना रखना है कलर, उस हिसाब से आप तलेंगे। बहुत ज़्यादा हमको काला नहीं करें तो काला जाम बन जाएगा। तो मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया, हम एक दो मिनट में इसको और करेंगे और फिर निकाल लेंगे। ये कितने अच्छे सब तरफ से एक बराबर से कलर हो रहा है, कहीं भी हमको पलट पलट के करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एकदम अच्छे से हिलते हुए अपने आप चारों तरफ से एक सा कलर आ रहा है सब में। चाशनी को हमको गर्म ही रखनी है, अगर ठंडी हो गई हो तो आप अपने चाशनी को गर्म कर लें, क्योंकि गर्म गर्म गुलाब जामुन ही गर्म गर्म चाशनी में डालेंगे तभी ये अच्छे से सॉफ्ट होंगे, अच्छे से चाशनी इनके अंदर एग्जाम हो जाएगी। तो ये मेरे हो गए, हम निकाल ले रहे हैं इसको।
देखिए कहीं से भी टूटे नहीं हैं। तो पहले आपको हाथ में लेके लड्डू जैसा ही बनाना, उसके बाद ही इसको हथेली में लेके गोल करना है। अब मेरी चाशनी एकदम गर्म है, उसमें डाल दिया हमने, अब इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको 5-10 मिनट हमको चाशनी उसी तरह डालना है। देखिए थोड़ा सा चाशनी कम लग रही है तो हम पलट दे रहे हैं। अभी देखिए छोटे आपको लग रहे हैं, अभी देखिए इसका फूल के कितने अच्छे बड़े हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरे भी डाल लेंगे जो मेरे बचे हुए हैं, और ऐसे ही हिलाते हुए हम इसको तलेंगे। ये याद रखिए कि हमको गुलाब जामुन को पलट पलट के नहीं तलना है। पलट पलट तलने में क्या होता है, इक्वली कलर चारों तरफ से एक सा कलर नहीं आएगा सब में, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं किसी तरफ लाइट कलर आएगा, किसी तरफ डार्क कलर आएगा। और ऐसे कलछू से हिलाते हुए जब पकाएंगे, फ्राई करेंगे, तो सब तरफ से एक सा कलर आएगा, सब तरफ एक ही कलर में गोल्डन ब्राउन होंगे। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, कमेंट द्वारा हमें बताइएगा ये पोहे के गुलाब जामुन आप लोग को कैसे लगे। आपने बहुत तरह के गुलाब जामुन बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप पोहे के गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो हम इसको इसी तरह निकाल लेंगे। देखिए मैंने वो भी डाल दिया, देखिए कितने बड़े हो गए, कितने छोटे थे, और एकदम देखिए भर गया, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और बहुत ही आपको देख के पता चल रहा होगा कितने सॉफ्ट हैं, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। गुलाब जामुन जैसे होते हैं मावा गुलाब जामुन होते हैं, आप मुंह में डालिए एकदम घुल जाते हैं, वैसे ही बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसी तरह जो मैंने ट्रिक बताई वैसे ही फॉलो करिएगा तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा, बना के कमेंट द्वारा बताइएगा ये पोहे गुलाब जामुन आप लोग को कैसे लगे। एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो मेरी पसंद आएगी तो शेयर करिएगा। आपने ऐसे गुलाब जामुन कभी नहीं खाए होंगे, पहली बार सब पोहे के गुलाब जामुन बना के दिखाया, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको देख के पता चल रहा है कितने सॉफ्ट हैं, एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, आपको देखने अच्छा लगेगा कि कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। ब्रेड के सब की तरह के गुलाब जामुन खाए होंगे, लेकिन आपने पोहे के नहीं खाए होंगे। तो इसको बनाइएगा और खा के अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा कि ये गुलाब जामुन आपको कैसे लगे। क्या खोए वाले गुलाब जामुन टेस्टी होते हैं, उससे ज़्यादा आपको सूजी और ब्रेड के गुलाब जामुन से ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो खाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।